एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट बाय फिलिंग अप द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको कंप्लीट करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं क्लियर होंगे तब तक आप फिलअप नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो एंड विल ऑलवेज बी ज़ीरो। उस क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो विल ऑलवेज बी ज़ीरो। मतलब कोई नंबर अगर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट मतलब उनका आंसर ज़ीरो ही आएगा। जब दो कोई एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और जिसमें एक नंबर हमारा क्या है ज़ीरो, तो आंसर हमेशा क्या होगा ज़ीरो। ज़ीरो के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर क्या होगा ज़ीरो। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन। जब किसी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाइड करते हैं विल ऑलवेज बी नंबर इट्सेल्फ, तो नंबर इट्सेल्फ ही आंसर होगा। क्या बोला उसने, जब हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। जब हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज नंबर ही आएगा। 76 वन जा 76, 215 वन जा 215। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ व्हेन टू और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड। जब टू और मोर नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं देन द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ नंबर, अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। 6 9 9 6, यहाँ 6 पहले था या 9 पहले है, अगर नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए डिजिट सेम ही हो तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। 6 9 54, 9 6 54। 126 7 22, 6 × 120 इक्वल क्या होगा 722। मतलब अगर हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हमारे मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर रिमेन द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज। तीन नंबर की अगर हम थ्री नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर दें, 4 4 × 9 × 5 180 आएगा, 4 9 36 × 5 क्या आएगा 180, 4 × 9 × 5 अब ग्रुपिंग हो गई मतलब ब्रैकेट में 9 × 5 9 5 45 45 के 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 180। ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है तभी हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। जब नंबर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा नंबर इट्सेल्फ। 56 1 56, 25 × 18 × फिलअप इक्वल 25 × 18 × 70। मतलब यहाँ क्या मिसिंग है, 25 दोनों जगह है 18 है तो क्या नहीं है यहाँ पे 17। 334 कैसे आएगा, 334 1 34। 180 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो आंसर चाहिए तो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो से करोगे तो आंसर क्या रहेगा ज़ीरो। 32 × –– 42 इक्वल 6 × 42 – 32, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे क्या नहीं है 6, यहाँ 42 है या 42 है तो क्या यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 32 है या 32 नहीं है, देखो यहाँ 32 है तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं है 32 मिसिंग है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 6, 42 और 42। नाउ 7 × 4 तो मल्टीप्लाई 7 एंड फिलअप है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। 300 × 310 × 5 तो इक्वल में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 और 310 ऑलरेडी हमें गिवन है। आपको फिलअप देखकर ये देखना है 7 7 है इक्वल का मतलब इस साइड और इस साइड, यहाँ 7 है यहाँ भी 7, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या मिसिंग है 4, यहाँ 310 है यहाँ 310 है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या मिसिंग है 5,
यहाँ 32 है, यहाँ 32 नहीं है, यहाँ 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है। इस तरह से आपको फोर्थ ए एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, प्रॉपर्टीज़ के साथ करनी है। कहीं भी डाउट एंड क्वेरी रहती है देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।